स्वामी श्री राजदास जी महाराज बचपन से ही बाल स्नेही रहे हैं। कालिमपोंग से गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी महाराज से आशीर्वाद लेकर श्री दयाल दास जी महाराज ने हरियाणा के हिसार स्थित कैमरी गांव में बालक राजदास को लाकर एक छोटा सा बाल आश्रम खोला। उनका लालन पालन तथा भौतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा दी गई। हर प्रकार के संस्कार से संस्कारित होकर बालक राजदास बाल सेवा आश्रम के संचालक स्वामी राजदास जी महाराज के रूप में समाज को प्राप्त हुए। स्वामी राजदास जी महाराज कैमरी हिसार में पिछले 40 वर्ष से श्री कृष्ण प्रणामी बाल सेवा आश्रम में कई अनाथ बच्चों का लालन पालन और संस्कारित शिक्षा दे रहे हैं। और साथ में वृद्धाश्रम, अनाथ और असहाय की विवाह, गौशाला, चैरिटेबल हॉस्पिटल का भी संचालन कर रहे हैं। आइए ऐसे असहायों के सहारे स्वामी श्री राजदास जी महाराज के मुखारविंद से महामती प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी वर्ष के परिवेश में श्रवण कीजिए श्रीमद् भागवत कथा। प्यारे सुंदर साथी भक्तजनों, श्री शिव नारायण जी पारिक एवं पारिक परिवार के तत्वाधान में आयोजित साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा के आज पहले दिन की बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और एक बार प्रणाम जी तो आप सभी को बोलना ही पड़ेगा। सब बोलेंगे प्रणाम जी, आवाज नहीं आई, फिर से बोले प्रणाम जी। परमात्मा की बड़ी कृपा है, श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में अवगाहन करने के लिए, निमज्जन करने के लिए, स्नान करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। आज भागवत का पहला दिन, कल और भी खुशी का दिन था। 161 कलश यात्रा पूरे धूमधाम से गाते बजाते नाचते हुए उमंग और उत्साह पूर्वक पारिक परिवार के तत्वाधान में जो यात्रा निकली, पूरे मील गेट क्षेत्र को पवित्र करते हुए, पावन करते हुए भागवत के पंडाल तक पहुंचे और कल ही कलश की और भागवत की स्थापना हुई। बड़ा दिव्य और बड़ा हर्ष का ये प्रसंग है। क्योंकि ये भागवत तो समझ लो कल से ही प्रारंभ हो गई थी। भागवत की स्थापना हमने कल की और आज हम मंगलाचरण करेंगे, भागवत की महिमा को बताएंगे। और ये कितना अच्छा मौका है मीलगेट क्षेत्रवासियों के लिए कि श्री शिवनारायण जी पारिक के मन में इच्छा हुई कि भागवत की कृपा से उनके यहां पर पुत्र की प्राप्ति हुई और क्यों न मैं श्रीमद् भागवत कथा करवाऊं। कई दिनों से इनकी इच्छा थी और ये इच्छा आज पूरी भी हो रही है। क्योंकि परमात्मा जब कृपा करते हैं तब इच्छा पूरी होती है। परमात्मा देखिए किसी भी काम को पूरे होने में तीन तत्व हमारे साथ रहते हैं। तीन चीज हमारे पास होनी चाहिए,
कोई भी कार्य को संपन्न करना हो, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी हो, उसके लिए तीन चीजें हमारे साथ रहनी चाहिए। सबसे पहला इच्छा होनी चाहिए। पारिक जी को इच्छा हुई कि भागवत कथा करवाऊं, और इच्छा नहीं होती तो कथा होती क्या? नहीं होती। एक बच्चे की इच्छा होती है कि मुझे अगले क्लास में जाना है, इच्छा होगी तभी जाएगा। एक बच्चे की इच्छा होती है कि मैं टॉपर बनूं, मैं क्लास में टॉप करूं, इच्छा होगी तो बच्चा क्लास में टॉप भी करता है। एक व्यापारी की इच्छा होती है कि मैं बहुत अच्छा व्यापार करूं, बहुत अच्छा बिजनेस करूं, बहुत धन कमाऊं। एक व्यापारी की इच्छा होती है, इच्छा होगी तो धन कमाएगा। इसी तरह शिवनारायण पारिक जी की इच्छा हुई भागवत कथा करवाऊं, इच्छा तो हो गई भागवत करवाने की, इच्छा तो हो गई बच्चे की टॉप आने की, इच्छा तो हो गई व्यापारी को बहुत सारा धन कमाने की, लेकिन दूसरा चीज नहीं हुआ, इच्छा बेकार रह जाती। और दूसरी चीज क्या है? मेहनत। एक बच्चे की इच्छा है मैं क्लास में टॉप आऊं और पढ़े ही ना, स्कूल में जाके चक्कर लगा के आ जाए, हाथ में किताब कॉपी लेकर चक्कर लगा के आ जाए, तो क्या इच्छा पूरी हो जाएगी उसकी? नहीं होगी। कब तक? जब तक मेहनत नहीं करेगा। इच्छा है बिजनेसमैन की, बहुत ज्यादा धन कमाने की, बहुत बड़े पद में जाने की इच्छा हो गई, इच्छा तो है लेकिन मेहनत नहीं की, परिश्रम नहीं किया, तो इच्छाएं बनी की बनी रह जाती है। इच्छा हुई भागवत करवाने की, लेकिन यदि मेहनत नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, इधर उधर से लोगों को नहीं बताते, हमसे संपर्क नहीं करते, मेहनत नहीं करते, इतना बड़ा आयोजन करने के लिए महीनों पहले से कोई विजन लेकर नहीं चलते, तो भागवत प्रारंभ नहीं हो सकती थी। इसलिए इच्छा के साथ साथ माताओं बहनों भाइयों मेहनत भी हो। इच्छा को पूरी करने के लिए मेहनत भी होनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बच्चे कहते हैं गुरुजी हमने तो मेहनत बहुत की क्लास में टॉप आने के लिए, लेकिन हम तो फेल हो गए। एक व्यापारी कहता है गुरुजी हमने बड़ी मेहनत की, बड़ी बढ़िया दुकान बनाई, बड़ी अच्छा बिजनेस चलाया, बड़ी अच्छी फैक्ट्री लगाई, और हमने मेहनत भी बहुत की, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी हम कामयाब नहीं हुए। तो फिर ऐसी कौन सी कमी रह गई? इच्छा भी हुई, परिश्रम भी किया, लेकिन कामयाब नहीं हुए। कौन सी कमी रह गई? परमात्मा की कृपा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। सब कुछ करते हुए भी बहुत से लोग फेल हो जाते हैं, बहुत से लोग फ्लॉप हो जाते हैं, बहुत से लोग असफल हो जाते हैं। जीवन में इच्छा भी है, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक परमात्मा का साथ ना हो, जब तक परमात्मा की कृपा ना हो, तो उस कार्य में हम कभी सफल नहीं होते हैं। और आज ये कितना अच्छा मौका है, इच्छा भी की, मेहनत भी की, और परमात्मा की आज विशेष कृपा है इस परिवार पर, परमात्मा की आज विशेष कृपा है मीलगढ़ क्षेत्रवासियों पर, परमात्मा की विशेष कृपा हमारे जीवन में उतरी है, जो कि आज इच्छा पूरी हो रही है और श्रीमद् भागवत गंगा में स्नान करने के लिए हम और आप यहाँ पर बैठे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल।
बड़े भाग्यशाली हम सभी, बड़े भाग्यशाली हम श्रीमद् भागवत गंगा में स्नान कर रहे हैं। भागवत में चार अक्षर है, मैं जरा भागवत क्या है बता देना चाहता हूं सभी को। भागवत में चार अक्षर है, भा ग व और त। इन चारों अक्षरों से भागवत एक शब्द बना है और इन चारों अक्षरों में भागवत का रहस्य छुपा हुआ है। ये चार अक्षर समझ में आ जाए तो भागवत के बारे में पता चल जाए कि हमें भागवत क्यों सुननी चाहिए, श्रीमद् भागवत का हमारे जीवन में कितना महत्व है, श्रीमद् भागवत सुनने से हमें क्या मिलता है, किस चीज की प्राप्ति होती है, हम श्रीमद् भागवत को क्यों सुने, इसके लिए सबसे पहले भागवत के जो चार अक्षर है ना उनको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। भागवत का पहला अक्षर है भ। भक्त का मतलब है भक्ति। भागवत सुनने से हमें भक्ति की प्राप्ति होगी, हमारे जीवन में भक्ति आएगी। और आप कहोगे जी भक्ति आने से क्या होगा, भक्ति करने से क्या होगा, भक्ति करने से जीवन में खुशियां, भक्ति करने से जीवन रसमय हो जाता है, भक्ति करने से जीवन आनंदमय हो जाता है, इसलिए जीवन में भक्ति होनी चाहिए। लेकिन भक्ति का मतलब क्या है, भक्ति करने का मतलब क्या है, मंदिर में जाने का नाम भक्ति नहीं है, भागवत या सत्संग में आने का नाम ही भक्ति नहीं है, केवल पूजा पाठ करने का नाम भक्ति नहीं है। तो भक्ति किसे कहते हैं, परमात्मा से प्रेम करने का नाम है भक्ति। मेरी बात समझ रहे हैं, केवल मंदिर में जाने का नाम, केवल कथा कीर्तन में जाने का नाम, केवल तीर्थों में जाने का नाम, केवल पूजा पाठ करने का नाम भक्ति नहीं है। भक्ति है परमात्मा से प्रेम करने का। जिसकी पूजा कर रहे हैं उससे हमें प्रेम होना चाहिए, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, जिनकी हम उपासना कर रहे हैं, जिनके हम पूजा पाठ कर रहे हैं उनके प्रति हमारा जब प्रेम समर्पित हो जाएगा उसी प्रेम का नाम है भक्ति। समझ आ गया, किस किस को समझ आ गया, वाह वाह अब तो बड़ी अच्छी। भक्ति का मतलब है परमात्मा से प्रेम करना, और परमात्मा से प्रेम किए बिना जो कुछ भी करोगे ना वो सब जीरो है। परमात्मा से प्रेम किए बिना आप पूजा करोगे तो जीरो है, परमात्मा से प्रेम किए बिना आप आरती करोगे तो जीरो है, परमात्मा से प्रेम किए बिना आप फूल चढ़ाओगे तो जीरो है, परमात्मा से प्रेम किए बिना आप धूप अगरबत्ती चढ़ाओगे तो जीरो है, वो भक्ति नहीं कहलाती है। वो कभी भक्ति नहीं कहलाएगी जब तक परमात्मा से प्रेम ना हो। और कैसा प्रेम, जो प्रेम आप अपने परिवार से करते हो वही प्रेम परमात्मा से करना। पोता 10 मिनट नजर ना आए तो कितनी बेचैनी आ जाती है ना, बेटा 1 घंटा घर में देरी से आया नहीं है तो बेटे के लिए कितनी बेचैनी हो जाती, वही बेचैनी, वही तड़प, वही दर्द, वही एक प्यास जब जीवन में उतर जाए तो उसी का नाम भक्ति। केवल पूजा पाठ या आरती पूजा करने का नाम भक्ति नहीं, परमात्मा से प्रेम करना
माताओं बहनों भाइयों, भागवत का पहला अक्षर है भ। भाग का मतलब है भक्ति। आप भागवत में आओगे तो पक्का परमात्मा से प्रेम हो जाएगा, और जब परमात्मा से प्रेम हो जाएगा तो जो कुछ करोगे ना, जब तक प्रेम नहीं है पूजा पाठ भी बेकार है, मंदिर में जाना भी बेकार है, भागवत सत्संग में आना भी बेकार है, जब तक प्रेम नहीं होगा। और जब प्रेम हो जाए तो जो कुछ भी करोगे ना उसका फिर 10 गुना ज्यादा फल मिलता। भागवत का पहला अक्षर भ। भागवत में आओगे तो भक्ति मिलेगी, भक्ति करना आ जाएगा। भागवत में आओगे तो भक्ति सिद्ध हो जाएगी। और भागवत का दूसरा अक्षर है ग। ग का मतलब है ज्ञान। भागवत में आने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञान सभी को होना चाहिए। आप यदि मानव योनि में आए हैं ना, तो आपको हर तरह का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि संत कहते हैं ज्ञाने नहीं ना पशु भीर समाना। ज्ञान के बिना व्यक्ति पशु की तरह होता। जब तक हमें ज्ञान नहीं है ना, भले ही हमें लोग इंसान कहते हैं, लेकिन शास्त्रों की भाषा में वो पशु से भी गया बीता है यदि हमें ज्ञान नहीं हो। और ज्ञान तीन तरह का ज्ञान है, एक तत्व ज्ञान है, एक आत्म ज्ञान है, एक ब्रह्म ज्ञान है। और भागवत में जब आओगे तो तीनों तरह का ज्ञान मिल जाए। जा दिन ते वो नंद को छोरा, सपने में बंसी बजाए गयो है, मन ना लागे अब जा जग में, ऐसो प्रेम को रंग चढ़ाए गयो है। महामती प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी महोत्सव के पावन प्रसंग में श्रवण कीजिए परम पूज्य स्वामी श्री राजदास जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा, प्रतिदिन रात्रि 9:20 पर सिर्फ जय पावस चैनल पर।